सोलन के दो मुख्य पार्कों को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा करीब 22 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। करीब 2-3 माह में चिल्ड्रन पार्क और जवाहर पार्क को सुंदर और आकर्षित बनाकर जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में सोलन शहर के दो मुख्य पार्क समय सारिणी के हिसाब से खुलेंगे और इनमें केवल मुख्य गेट से ही दाखिल हुआ जा सकेगा। नगर परिषद सोलन ने इसके लिए विशेष योजना तैयार कर ली है। इस योजना के तहत चिल्ड्रन पार्क और जवाहर पार्क को चारों ओर से बंद किया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क और जवाहर पार्क में चार दीवारी बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके बाद इन पार्कों में लोग केवल मुख्य गेट से ही दाखिल हो सकेंगे और पार्क भी समय सारिणी के हिसाब से ही खुलेंगे। इसके अलावा जून महीने से पहले ही दोनों पार्कों में नए झूले और बच्चों के खेलने के लिए आधुनिक खिलौने लगाए जाएंगे। इन पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए नगर परिषद ने योजना तैयार कर बजट जारी कर दिया है। दोनों ही पार्कों में बड़ी संख्या में फूलों के पौधे लगाए गए हैं। साथ ही यहां पर बच्चों के खेलने के लिए झूले सहित आधुनिक तौर पर चलने वाले अन्य खिलौने भी लगाए जा रहे हैं। चिल्ड्रन पार्क में सुधार पर करीब 7 लाख रुपए और जवाहर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नगर परिषद ने दोनों पार्कों के लिए बजट स्वीकृत करवा दिया है। नगर परिषद की सोलन के तहत आने वाले दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है, जिनमें चिल्ड्रन पार्क और जवाहर पार्क है। इसमें सुंदर बनाने के लिए हमने इसको बैरिकेड करने का, इसको चार द्वारी से या किसी अच्छे तरीके से बंद करने का प्लान बनाया है, ताकि अवांछित लोग उसमें ना जा सकें। और जब ये चार द्वारी इसमें बहुत अच्छी तरह हो जाएगी, फिर इसका टाइमिंग फिक्स कर देंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के खिलौने भी लगाए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के फूल पत्ते पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बना दिया है और जिसमें अभी फ़िलहाल इसके चिल्ड्रन पार्क में 7 लाख और जवाहर पार्क में कोई 15 लाख के करीब खर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमने फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग शॉर्ट टाइम के लिए इसमें फूलों के पौधे लगा दिए हैं, जो चिल्ड्रन पार्क में कोई 300 के करीब हैं और जवाहर पार्क में 700 के करीब हमने रोपण पौधों का, फूलों के पौधों का रोपण कर दिया है। तो ये जल्दी ही 1-2 महीने में ये सामने आ जाएंगे, इससे पार्क की सुंदरता बढ़ेगी, लोगों का आवागमन ज़्यादा बढ़ेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।